वे टू गुलमर्ग, और हमारे साथ हैं जहेदा मैम और उनकी सिस्टर्स, नाम तो हमें याद नहीं अभी तो अभी जो है पीछे जो बैठे हैं लोग उनके तो चेहरे भी नहीं दिख रहे एक्चुअली। हमको भर दिया गया है ठूस ठूस के और आप दोनों लोग आराम से बैठे हैं। नहीं नहीं, हमारे साथ भी तन्नू बैठी है, बस केवल संग्रूप से मजे से ड्राइव कर रहे हैं। सामने देवदार के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ दिख रहे हैं, तो हरियाली लगभग 5-6 किलोमीटर पहले से स्टार्ट हो गई थी, पूरी हरियाली है, चारों तरफ हरा भरा सा माहौल है और मौसम बहुत अच्छा है इस समय। आसमान में थोड़े से बादल हैं आज, और पिछले कुछ दिनों से यहाँ बारिश भी हो रही थी तो थोड़ी ठंडक भी है। सो जो भी अगर कश्मीर ट्रिप बनाने वाले अगले 2-4 दिन में, तो कपड़े थोड़ा सा भी अच्छे से लेके आए, नहीं तो बोरो करना पड़ेगा। सच में यार कितना सुंदर है ये। बहुत सुंदर लग रहा सच में, पता सबको सनरूफ से बाहर निकल के देखना चाहिए। वेलकम टू गुलमर्ग। सो ये है गुलमर्ग की हसीन वादियाँ, चारों तरफ हरियाली है और ग्रासलैंड काफी बड़े में फैला हुआ है। और यहाँ पर गोंडोला राइड भी होता है, सो जो ट्रॉली होती है उससे आप काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं फिर वापस आते हैं, लेकिन उसके लिए पहले से थोड़ा सा बुकिंग करनी होती है। ये गुलमर्ग की खूबसूरत वादियाँ आप देख रहे हैं, और आज आसमान में थोड़े से बादल हैं और रुक रुक के बारिश भी हो रही है। बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं और हम लोग जस्ट पहुंचे हैं अभी थोड़ी देर पहले। आइए आइए, और इतनी चढ़ाई चढ़नी है वो ऊपर रेस्टोरेंट, और गुलमर्ग की सुंदरता देखिए। तो हम लोग जा रहे हैं स्काई हिल रिसोर्ट में, जो काफी ऊंचाई पे, हालांकि गाड़ी भी है ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन वाह पैदल, वाह क्या बात है, 360 व्यू। सो वी हैव रीच्ड एट द टॉप, जा रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर, एक्चुअली होटल कम रेस्टोरेंट है और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ के ठहरते हैं, और इतनी ऊंचाई से एक ज़बरदस्त व्यू आ रहा है गुलमर्ग का। ये होटल के चारों तरफ का व्यू है, ये स्काई हिल रिसोर्ट है जहाँ पे अभी हम लोग आए हैं लंच करने के लिए, और काफ़ी ऊंचाई पे होने से काफ़ी दूर तक हम लोग देख सकते हैं, एक अच्छा व्यू यहाँ से दिख रहा है, लाजवाब। बहुत
तो हम लोग आ रहे हैं ऊपर से इस गाड़ी में और जहाँ लगेज का ट्रॉली होता है उधर खड़े हुए। क्या बात है, क्या बात है। ओए सो वी आर एट द व्यू पॉइंट और यहाँ से एक बहुत ही हसीन वादी दिख रही है, चारों तरफ हरियाली। यस, और जो स्लोप्स हैं यहाँ पे, शीप्स हैं वो दिख रही हैं, भेड़ें यहाँ पे चल रही हैं। कहाँ बैठी तन्नो? अब अली, ये हमारे संगरूप सर मजा लेते हुए अब ये कहेंगे यहाँ पे हम खड़े हो रहे हैं, हमारी एक फोटो निकाल दो। नहीं, टूटा है वो, हिल रहा है वो, इसी में ही वो क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, देखो यही तो फायदा है इसका, यहाँ से बढ़िया आ रही है। ये क्या है? वहाँ दिल्ली दिखाई दे वो नीचे।